हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ अपने गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डहेलिया पे बात करेंगे। देखिए, देखो कितना खूबसूरत प्लांट है डहेलिया का। काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर है और इसके जो पत्ते देखिए कितने अच्छे से शाइनिंग कर रहे हैं और बड़े साइज़ के पत्ते हैं। दोस्तों, जब पौधे को अच्छा टेम्परेचर मिलता है, अच्छा मौसम मिलता है, तो वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है। दोस्तों, इस समय जो मार्च अप्रैल का समय होता है, ये हर पौधों के लिए बहुत अच्छा सा टाइम होता है। इसी में पौधे अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने ये 10 इंच के गमले में दो तीन प्लांट अपने लगा रखे हैं। तो देखिए, ये सदाबहार का प्लांट है। तो दोस्तों, ये देखिए, तो दोस्तों इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। इस समय सबसे अच्छी जो खाद है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आप नीम खली और सरसों खली और थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट मिला के कुछ दिनों के लिए रख दीजिए। फिर उसमें से एक गिलास पानी निकाल के आप चार गिलास पानी में डाल के और हर एक प्लांट में आप डाल दें। उससे आपका अच्छे से पौधा है जो फ्लावरिंग करेगा। नई ग्रोथ का समय होता है इस समय, तो आपके जो प्लांट है सर्दियों के, वो अच्छे से नई ग्रोथ भी उनमें होगी। और जो हमारे आगे गर्मियों वाले प्लांट है, बोगनविलिया, डहेलिया, इन सब प्लांटों की भी नई ग्रोथ का समय है। तो उनमें भी अगर ये फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो उनमें भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से फ्लावरिंग भी होएगी। तो दोस्तों, आगे चल के जो हमारे सर्दी वाले प्लांट है जितने, ये सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो डहेलिया का प्लांट है ये सूख जाता है, पर इसके जो ट्यूबर होते हैं वो बच जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन ट्यूबरों को रख लेना है नेक्स्ट सीजन के लिए। आपको इनको छाएं वाली जगह में रख देना है अपना गमला उठा के, और जैसे ही बरसात का टाइम आएगा तो उसमें से फिर नया ग्रोथ निकल आएगी, फिर आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।